नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज पार्ट टू अभी डिस्कस करते हैं जो हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो जैसे मैं आपको रीजनिंग सेशन दे दूँ, अपलोड कर चुका हूँ, जाके वो टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। एंड ये डिस्कस करेंगे हम क्वांट का क्वेश्चंस। एंड इस क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में आपको टाइमिंग दूंगा, इतना सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको मैथ में कितना टाइम देना है, 20 मिनट्स सीजीएल एग्जाम में। टायर वन के लिए बात कर रहा हूँ, वो तो टू, टायर टू तो डिफरेंट है। टायर वन में कितना देना है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर जितना हुआ हुआ, नहीं तो छोड़ देना। अगर बीच में टाइम बच गया कुछ रीजनिंग एंड ये सब करने के बाद, तो वहाँ पे मैथ में देना। रीजनिंग तो 15 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन होगा, एंड जो छोड़े हो गए 5 मिनट्स उसके लिए टाइम देना। मैं आपको टाइमिंग ऐसे बता देता हूँ, क्योंकि ये टाइमिंग कल का एग्जाम के लिए आपको बहुत इंटरेस्ट हेल्पफुल होगा। कल का एग्जाम मॉक 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 में मॉक टाइम में जाकर टेस्ट दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रहेगा। वहाँ पे आपको मार्क वहाँ से पता चलेगा, क्योंकि कल अगर जो मॉक देंगे, मैं भी दूंगा, अगर जो कल मॉक देंगे ना, आपको सेक्शनल टाइम में आपको पता है। अगर आप रीजनिंग अटेंड करेंगे तो 15 मिनट्स ले जाइए, 15 मिनट्स तो कंपलसरी रीजनिंग में अगर देना है, उससे ज़्यादा नहीं, इससे कम दे सकते। 20 मिनट्स किस में देना है आपको, मैथ में। टोटल कितना हुआ, 35 मिनट्स, बचा कितना मेरे पास, 25 मिनट्स। 6 से 7 मिनट्स आपको देना है जीएस में, 6 से 7 मिनट्स। अगर मैं 7 मिनट्स मान लेता हूँ, 35 + 7 कितना होता है, 42, मेरे पास बचा कितना है, 18 मिनट्स। 12 मिनट्स देना है आपको इंग्लिश में, 12 मिनट्स इंग्लिश में, 12 से 13 मिनट्स ले जाइए, बचा कितना, 55, बचा लास्ट में 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स आप जल्दी से जो क्या करेंगे ना, जो क्वेश्चन छोड़े होंगे उसको जाके अटेंड करेंगे। ओके, आई थिंक ये तो प्रोसीड्यूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आपकी अगर कोई दूसरा प्रोसीड्यूर होगा कंफर्टेबल हो गए वो ठीक है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए बी इक्वल टू 20, देन ए क्यू माइनस बी क्यू इज हाउ मच। क्वेश्चन का टाइम है 5 सेकेंड। मैं यहाँ पे टाइमिंग करूँगा, इच क्वेश्चन का मैं याद रखूँगा कितना कितना सेकेंड दिया। लास्ट में इसको इरेज नहीं करेंगे, इसको रखेंगे, लास्ट में काउंट करेंगे हमको कितना टाइम लगा सेकेंड में, आप कितना टाइम में इतना अटेंड कर सकते हैं। ओके, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड ए बी इक्वल टू 20, देन ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल हाउ मच। सिंपल क्वेश्चन है, वो बोला ए माइनस बी इक्वल टू 8, ए का वैल्यू पुट कीजिए 10, बी का वैल्यू पुट कीजिए 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, येस हो रहा है। हमको पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए का वैल्यू मुझे 10 मिल गया, क्यू कितना होगा 1000, माइनस बी का वैल्यू कितना होगा 8, 1000 से अगर 8 मल्टीप्लाई माइनस करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 992। तो मेरा जो यहाँ पे आंसर है ये होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, ये होता है 992, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डी। इफ एक्स टू द 6 + 1 बाई एस स्क्वायर इक्वल 0, देन एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस स्क्वायर इज हाउ मच। 10 से 15 सेकेंड देता हूँ, एंड एक्सपर्ट के लिए ये 5 सेकेंड है, जो एक्सपर्ट है एक इस क्वेश्चन में, जो एक्सपर्ट है उनके लिए 5 सेकेंड। ओके, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको 10 से 15 सेकेंड दिए थे हम, ओके याद रखना, ठीक है 10 से, इसको तो छोटा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। बोला देखिए एस टी दोबार 6, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, और छोटा कर, हाँ एस टी दोबार 6 + 1 अपन एस एस क्यू, इसका वैल्यू आपको दिया है 0। इसको मैं तोड़ सकता हूँ एस एस क्यू प्लस 1 बाई एस एस क्यू फॉर्म में, तोड़ सकता हूँ नहीं सकता हूं? बस अगर एस एस क्यू प्लस 1 बाई एस एस क्यू का वैल्यू आपका 0 है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा पता है, वो होगा आपका के क्यू प्लस 3 का रूट ओवर। याद रखना के का मीन्स यहाँ पे 0 है, ए एक्सपर्ट के लिए के क्यू क्या होगा 0, 0 प्लस 3 का रूट ओवर रूट 3 मीन्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया रूट 3, एंड एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ना रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 3 - 2, आंसर क्या होगा 1। आई थिंक ये तो समझ में आ गया, ए एक्सपर्ट के लिए 5 सेकेंड का आंसर है। नहीं तो आप क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे। एस एस क्यू देखिए, पहले आप एस एस क्यू प्लस 1 बाई एस एस क्यू इक्वल टू 0 पता चल गया, आप यहाँ से एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यू निकाल सकते हैं। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यू होगा एस एस क्यू प्लस वाई एस एस क्यू प्लस 1 बाई एस एस क्यू प्लस 3 एक्स इंटू 1 बाई एक्स कट जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू लास्ट को बचेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस 1 बाई एक्स एक कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 3। आप जिस मेथड से चाहिए तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो हुआ एक्सपेंड मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, इफ ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द सेम रेशियो 3:5, इफ ए गट्स 200 लेस देन बी, देन सम ऑफ मनी इज हाउ मच, 5 सेकेंड। ए सम ऑफ मनी, इसका आंसर क्या आया, 1 आया।
ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 3:5। इफ ए गॉट्स 200 लेस देन बी, रेशियो उनका मनी का रेशियो दे दिया है और उनका जो ए वो बोल रहा है ए कितना ए को कितना मिला ना बी से 200 लेस मिला, तो सिंपल यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस ले जाइए। टू पार्ट का वैल्यू यहाँ पे 5 पार्ट, यहाँ पे 3 पार्ट, टू पार्ट का वैल्यू 200, वन पार्ट का वैल्यू कितना मिल जाएगा 100। हमको किसका पूछा है, टोटल मनी पूछा है, टोटल कितना है 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। सिंपल क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन है कैटी कैंपस का। ओके, इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, तब आप सॉल्व करने का टाइम लगेगा, तब भी आप 10 सेकंड देंगे, बट आप कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। 800, इफ ए बुक सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8% आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, देन द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस कितना होगा 10 सेकंड। इफ ए बुक सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% प्रॉफिट मीन्स 8% का रेशियो क्या होता है 2/25, ये आपको रखना होगा 2/25 मीन्स यहाँ पे सपोज मेरा कॉस्ट प्राइस है 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 27। चलिए एक पार्ट हमको मिल गया, दूसरे में क्या करता है वो डिस्काउंट देता है 2%। ओके, डिस्काउंट देता है 20% मीन्स 20% कितना होता है 1/5, तो अगर डिस्काउंट कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मार्क प्राइस में, एंड मार्क प्राइस सपोज 5 पे, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4, तो हमको सेलिंग प्राइस इक्वेट करना है। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिमिलरली यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी आपको 27 मल्टीप्लाई करेंगे। आपको अभी पूछा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 25 × 5 यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको तो हम इरेज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 25 × 4 हुआ है एंड यहाँ पे नीचे 5 × 27, तो 5 से एक बार चला जाएगा 5, तो बच्चा क्या 20:27 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 20:27। क्लियर, बस नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 50। कभी दो बार इसको कट करना पड़ेगा, ओके है, नहीं तो ये तो बहुत हो जाए, इसको 10 सेकंड दिया था, इसको रखने दीजिए, क्योंकि लास्ट में काउंट करेंगे हम कितना सेकंड किस क्वेश्चन में लगा एंड उतना टाइम हमको लगा या नहीं लगा। ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 16% ऑन सेलिंग आर्टिकल ऑन 23200 टू गेन द प्रॉफिट ऑफ 27%, द सेलिंग प्राइस इज हाउ मच 10 सेकंड। बोल रहा है ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 60%, 60 देखिए 8% होता है 2/25, 16% कितना होगा उसका डबल हो जाएगा मीन्स 4/25 मीन्स यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस 25 पे तो सेलिंग प्राइस मुझे कितना मिल गया, सेलिंग प्राइस मुझे मिल गया 29 एंड यहाँ पे सिर्फ 29 का वैल्यू आपको दे दिया 23200। अगर 29 का वैल्यू आपको 23200 है, 23200 है, ओके, एंड 1 पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 28, ओके ये आई थिंक 8 से चला जाएगा, 29 × 8 होता है 232, दैट इज 800 होगा। एंड यहाँ पे बोला है टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 27%, अगर इसको अगर प्रॉफिट 27 का नहीं मीन्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इक्वेट नहीं करेंगे, हमको कितना मिल गया, हमको टोटल 1.800 मिल गया, हमको सिर्फ पहले कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस 25 का वैल्यू कितना होगा 20,000 होगा या नहीं होगा, 25 का वैल्यू 20,000, उसके बाद हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया, हमको कितना अब हो रहा है इसको प्रॉफिट 27%, तो इसका 27% हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, हमको कॉस्ट प्राइस मिल गया 20,000, इसको इरेज करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 20,000 × 127/100, क्योंकि 27% प्रॉफिट है, तो इसको ऐसे काट दीजिए, आपको मिलेगा 127 × 2 कितना होता है 254 ए 20 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो होगा सेलिंग प्राइस वो कितना होगा 25400। ओके, आई थिंक क्वेश्चन इजी लेवल है, ये क्वेश्चन तो इजी लेवल है, ये डुएबल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आई थिंक हम किए थे क्या इस क्वेश्चन में, राइट लगा है 4 kg, ठीक है। इन 80 kg मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इज 7:3, जिंक एंड कॉपर अगर 7:3 है, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तभी तो होगा 7:3 रेशियो में आएगा। वो बोला इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो 2:1, इस रेशियो को हमको 2:1 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितना कॉपर ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट पता चलता है अगर मैं 4 kg ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2:1, अगर मैं कॉपर में 4 करूँगा तो कितना मिल जाएगा 28 × 2 कितना होता है 27, दैट इज 2:1 मुझे आंसर मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड क्वेश्चन था इसका, ओके 5 सेकंड था, ओके बट आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ यहाँ पे, 10 सेकंड इसको छोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुनीता डिपॉजिटेड 8,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड एंड हैप्पी अर्ली, देन द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इंटरेस्ट इज हाउ मच, 15 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए एक सेकंड में पानी थोड़ा पी लेता हूँ।
चलिए, सुनीता डिपॉजिटेड 8,000, प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, कितने साल कल तक है 2 ईयर्स तक। अगर 10% है तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, 20% निकाल देंगे। 2 ईयर्स मीन्स हर एक साल के 10% होगा तो 20% निकाल देंगे। 20% इसको एयरवाली करेंगे, 20% ऑफ 80,000 कितना होता है, 10% होता है 800, 20% होगा 1600, मीन्स हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया 1600। मैं आपको ओरली बता दिया एंड आपको तो उसके बाद बोला इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हैप्पीअरली, अगर इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट है इज कंपाउंडेड हैप्पीअरली देन द डिफरेंस बिटवीन इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हैप्पीअरली देन द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इंटरेस्ट इज हाउ मच। ओके, वो बोले अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा ना, वो हैप्पीअरली इंटरेस्ट हो जाएगा, तो दोनों का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, अभी जो हैप्पीअरली हो जाएगा, अगर हैप्पीअरली इंटरेस्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। अगर 5% हो जाएगा 2 ईयर्स में देखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा ना 8,000 प्रिंसिपल इंटू 5 हैप्पीअरली इंटू 2/100 दैट इज एक सेकेंड 800। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है 800 मीन्स क्या है हमारा जो इंटरेस्ट है दोनों का बीच का इंटरेस्ट का गैप क्या है 800 है, बट यहाँ पे दे रहा है 10% हो जाएगा 5%, तो कंपाउंड टू ईयर्स में काउंट करेंगे कितना होगा 5 + 5 + 25/100 दैट इज 10.25। ओके, 10.25%, अभी हम 10.25% हम निकाल देंगे 8,000, तो आंसर हमको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या मिलता है वो देखेंगे, 10.25% ऑफ मीन्स 10.25 लिख देता हूँ, इसको 100 से इसको एक बार इसको ऐसे कर देता हूँ, उसके बाद इसके 8,000 इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कैलकुलेशन आपका जल्दी होना चाहिए, 3 से 3 चला जाएगा, 5 से 2 से जाएगा 5, 2 से जाएगा 4, इसको कटेंगे 5 से जाएगा 2, 205, 205 × 4 कितना होगा ना, ये हो जाएगा आपका 820 हो जाएगा आपका कितना कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हुआ 780, बट यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 567 एंड देयर एससीएफ इज 3 देन द रेशियो ऑफ एससीएफ एंड एलसीएम इज हाउ मच 10 सेकेंड। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 567 मीन्स आपको दे टू नंबर्स एक्स एंड वाई, इसका जो प्रोडक्ट दिया है आपको क्या दिया है 567 एंड इस जो दोनों नंबर का एस सी एम आपका 3 है, एस सी एम अगर 3 है मीन्स दो नंबर 3 से फैक्टर होगा तो हो जाएगा 3x × 3y दो नंबर, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे मुझे कितना मिल गया 3x मीन्स 9, इसको 9 से करेंगे दैट इज 63 मीन्स एक्स वाई का वैल्यू मुझे मिल गया 63 एंड यही आपका एल सी एम होता है दो नंबर का, जो दो नंबर नहीं थे 3x और 3y इसका एल सी एम होता है 63। तो एस सी एम एंड एल सी एम का डिफरेंस पूछा है, रेशियो पूछा है, तो कितना आएगा 3:63 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या होगा 3:63, आई थिंक ऑप्शन कहाँ पे वो देखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फाइंड द एवरेज ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, 15 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है n × (n+1) × 2n + 1/6, तो फर्स्ट 15 पूछा है तो 15 × (n+1) = 16 × (2n+1) दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 6, 2 से 3 से जाएगा 2, 3 से जाएगा 5, 2 से जाएगा 8 मीन्स 40 × 31 इसका सॉम होता है एंड एवरेज पूछा है डिवाइडेड बाई 15 कर दीजिए, 5 से जाएगा 3, 5 से जाएगा 8, तो कितना आया मुझे 248/3। तो ऑप्शन देखेंगे 248/3 कहाँ मुझे मिलता है 248/3 248/3 ऑप्शन चला गया, ए हो जाएगा यूनिटी, ए नहीं होगा, ए जो है 6, यस ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इफ एस एस क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड की इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द 9 प्लस वाई टू द 9 माइनस जेड टू द 9 डिवाइडेड बाई एस क्यू वाई की जेड क्यू, 15 सेकेंड देता हूँ। चलो
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक, देखिए अगर आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है तो एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इसका वैल्यू क्या होता है ना, थ्री एक्स वाई जेड, कंपलसरी सबको पता होगा। बस सेम चीज़ इसमें सेम पैटर्न लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है एस एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस यहाँ पे माइनस जेड का क्यू, इस पैटर्न में लिखा है। इसका वैल्यू अगर जीरो है तो इसका जो एस टू द नाइन प्लस वाई टू द्वारा नाइन माइनस जेड टू द्वारा नाइन, ओके जेड टू द्वारा नाइन, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ना माइनस सॉरी थ्री होगा, थ्री एस टू द्वारा क्यू वाई टू द्वारा क्यू जेड टू द्वारा क्यू, ओके पता चल गया। तो ऊपर आ गया मुझे इतना, नीचे एस टू द्वारा क्यू वाई टू द्वारा क्यू जेड टू द्वारा क्यू, ओके तो ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ आंसर थ्री। तो इसका जो टोटल आंसर है थ्री है, बाकी क्वेश्चन 10 सेकेंड का अंदर सॉल्व होगा, बट जिसका स्पीड होगा जिनके सब कॉन्सेप्ट पता होगा वो बड़ा से करेंगे, नहीं तो इसको सोचते रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, इफ एक्स इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री देन एस स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज हाउ मच, फिफ्टीन सेकेंड देता हूँ। चलो होगा, चलिए हमको क्या दे एस स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, अगर एक्स इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री है तो एक्स वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, टू माइनस रूट थ्री, ये तो सबको पता होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ काम करता हूँ, मैं सबको एक्स से डिवाइड कर दूँगा, ओके एक सेकेंड, अगर मैं एक्स के डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अगर एक्स में कॉमन ले जाऊँगा तो क्या मुझे मिलेगा, एक्स माइनस फोर, ये तो मिलेगा एक्स माइनस फोर, एक सेकेंड, एक्स अगर कॉमन ले जाऊँ मुझे मिलेगा एक्स माइनस फोर प्लस टू बाई एक्स, इतना मिलेगा, मिलेगा नहीं, नहीं तो आप एक काम कीजिए यहाँ से हमको दिया एस स्क्वायर माइनस फोर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, अगर एक्स यहाँ पे कॉमन ले जाओ तो बचेगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स माइनस फोर का वैल्यू कितना होगा माइनस टू बाई एक्स, तो एक्स प्लस टू बाई एक्स का वैल्यू फोर हो जाएगा, ओके एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर एक्स प्लस टू बाई एक्स का वैल्यू मुझे कितना मिल गया फोर, सिमिलरली वहाँ पे मिल जाता एक्स प्लस टू बाई एक्स का वैल्यू मुझे फोर मिल गया, ओके एक्स का वैल्यू हमारा टू प्लस रूट थ्री है, वन बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा टू माइनस रूट थ्री, तो टू प्लस रूट थ्री प्लस ये हो जाएगा टू इंटू वन बाई टू माइनस रूट थ्री, ओके तो टू इंटू टू माइनस रूट थ्री, इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। फिर से कर देता हूँ, दो मेथड से अभी बताता हूँ, अभी हमारा जो ऑप्शन आया वो क्या आया ना टू प्लस रूट थ्री, ओके और क्या इसके अंदर जो आया था वो क्या आया था प्लस टू बाई टू माइनस रूट थ्री, यही आया था ना प्लस आया था, यस तो टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री क्या होगा ना, टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा वन, वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू माइनस रूट थ्री मीन्स थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री, ओके इसको एक बार रेशनलाइज करना आपका पड़ेगा, अगर इसको एक बार रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर बचेगा टू प्लस रूट थ्री नीचे बचेगा वन, तो हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री, वहाँ पर एक माइनस है, बट यहाँ पर आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सोचिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर लीजिए इसका वो भी सॉल्व हो जाएगा, सेवन प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर टू प्लस रूट थ्री प्लस टू, काम खत्म, अभी वो भी करना जरूरत नहीं है, सेवन प्लस टू रूट थ्री माइनस एट माइनस फोर रूट थ्री प्लस टू, एट सेवन यहाँ पे प्लस टू टू माइनस टू रूट थ्री बचेगा, यह हो जाएगा सेवन प्लस नाइन माइनस, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ट्राई करके देखिए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तभी तो निकल नहीं रहा था, एस इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री है। मैं आपको दो तरीका और एक तरीका बताता हूँ, तभी अगर वहाँ से निकल गया तो देखेंगे क्या होता है, रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है,
पहले मुझे ये बताइए, 1.7 मेरे उठते का भालू पुट कर दिया, कितना मुझे मिला? 3.7 मुझे एस का भालू मिल गया, 3.7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 3.7 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3.7 प्लस 2, इसका वैल्यू क्या आ रहा है देखेंगे, 3.7 का होल स्क्वायर, 3.7 को आप ज़्यादा लेंगे तो 4 ले सकते हैं, तो दैट इज 16 माइनस 16 प्लस 2, तो जो आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, अगर हम 4 है तो थोड़ा 2 से कम आएगा, 1 भी हो सकता है 2 आ सकता है, बट हमको इसका जो ऑप्शन है तो 2 आ रहा है, मीन्स आपको अगर 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 × 3 तो एक्चुअल आंसर आपका आएगा 3.7 का होल स्क्वायर, आप देखिए 37, अगर मैं 37 को मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे कितना मिलता है, 1409 मुझे 37, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा यदि 3.7 का होल स्क्वायर 1409 मीन्स ये हो जाएगा 14.09 समथिंग हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3.7 × 4 14.8, ओके तो 14.08 लगभग 0.1 आ जाएगा, 0.12 ही आंसर आ रहा है, और तब क्यों नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, वो यहाँ पे देखेंगे वो भी वहाँ पे बाद में सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा 2 क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक कुछ हम गलत किए, एस का वैल्यू 2+√3 है, तो एस स्क्वायर करेंगे कितना होगा ना 4 + √3 + 4√3 ना, तभी तो गलत हो रहा था, +4√3 माइनस 4 × x करेंगे 2+√3, अभी देखिए हो जाएगा +2, तो 4+3 = 7 +4√3 -8 -4√3 +2 +4√3 -4√3 कैंसिल, 7+2 9 9 - 8 कितना था 1, जब मैं आंसर 2 निकाला था हम ज़्यादा 3.7 को 4 मान लिए थे तभी मेरा आंसर 2 आ रहा था, बट थोड़ा हमको यहाँ पे ज़्यादा माने थे तो कम मानेंगे, तो मैं जैसे ऑप्शन बताया था 1 होगा तभी ही ऑप्शन आपका 1 होगा, यस कभी कैलकुलेशन कभी गलत मत करना, अभी कभी कैलकुलेशन गलत हो गया तो मीन्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। डायमीटर ऑफ 3 सेंटीमीटर स्पेरिकल बॉल ऑफ लीड इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स, द डायमीटर ऑफ 2 ऑफ दिस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर स्पेरिकल डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल इज हाउ मच, सिंपल क्वेश्चन, वॉल्यूम इक्वेट कीजिए, सब में सेंटीमीटर है, ओके डायमीटर 3 सेंटीमीटर से रेडियस कितना होगा 1.5, स्पेरिकल बॉल का एरिया क्या होता है 4/3 × π 3/2 का होल क्यूब लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, दैट इज 27/8 मीन्स 4 से जाएगा 2, मैं डायरेक्ट यहाँ को सॉल्व करूँगा, मीन्स π/3 × 27/8 दैट इज 9 चला जाएगा, तो 9π/8 टोटल इस साइड में आएगा, इसका वॉल्यूम 9π/8 सॉल्व कर दिया इसमें, इसके इसका स्पेयर का 9π/8 इसका एरिया आएगा, वॉल्यूम आ गया, तो 9π/8 को क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे किस में, मेल्टन एंड रिकेशन 3 स्पेरिकल बॉल्स, द डायमीटर ऑफ टू दिस 1.5, अगर डायमीटर 1.5 है तो ये कितना होगा 1.5/2 में 0.75, तो पाए तो कट जाएगा, तो हो जाएगा इसको काट दीजिए, वहाँ पे 4/3 पाया आएगा, 4/3 पाई कट जाएगा R1 क्यू, दैट इज आपका 1.5/2 का क्यू प्लस यहाँ पे 1 का क्यू प्लस एक्स का क्यू, यही तो निकालना है ना, तो इसको आप सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर आएगा एक्स का वैल्यू मुझे कॉमन सेंस ने बता देना, ये तो बड़ा स्पेस हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना इतना टेंशन नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 75% देन सी एरिया इज हाउ मच, ओके बोले इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 75% सपोज इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस, सपोज मेरा रेडियस था 50, डायमीटर कितना होगा 100, अगर डायमीटर में पहला 100 था रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7
इनटू इसको और भी नज़दीक ले जाते हैं, इसको रेडियस को 7 मान लेता हूँ, रेडियस को मैं 7 मान लेता हूँ, तो डायमीटर 14 होगा। ओके, क्योंकि मेरे जो 22/7 इंटू 49 करेंगे तो मुझे ज़्यादा मिल जाता है 154, एरिया मुझे 154 पहले का सर्कल का मिल गया, इसलिए मैं 7 माना। एंड वो बोला इसके बाद डायमीटर इंक्रीज जो है 75%, मीन्स 14 × 175/100, 5 से जाएगा 20, 5 से जाएगा 7, 5 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 7, मीन्स 49/2 हो गया अभी क्या उसका डायमीटर। तो अगर डायमीटर 49/2 है तो रेडियस कितना होगा 49/4, अभी क्या होगा 22/7 इंटू 49/4, दो बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 7 से तो 7 चला जाएगा, 2 से तो 2 चला जाएगा, 2 से बचेगा 11, तो अभी इसको कैलकुलेट करके आपका आंसर निकाल दीजिए कितना आपका ये है या कितना बड़ा है, नहीं तो आप 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 ज़्यादा ईजी हो सकता है बट वहाँ पे काटने के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे, नहीं तो आप और कुछ मल्टीपल यहाँ पे 900 मान सकते हैं, 700 मान सकते हैं, मेरे हिसाब से 700 आप मान लीजिए, किंतु बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर मैं 700 रेडियस मान लेता हूँ, सॉरी डायमीटर मान लेता हूँ, 700 मानेंगे तो बहुत कैलकुलेशन आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, 700 मत मानिए आप इसका जो माने, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 75/2 कर देता हूँ, 75/2% सपोज मेरा रेडियस है, तो इसको अगर मैं 75/2 + 75/2 + 75 × 75 / 4 / 400 × 100 दैट इज 400 हो जाएगा, इससे भी आप निकाल सकते हैं कितना एरिया इंक्रीज होगा, इससे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप सक्सेसिव निकालिए या फिर वो मेथड से निकालिए, कुछ मान के भी निकाल देंगे, कैलकुलेशन अगर पेपर आपके पास होगा आप इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको मैं 15 सेकेंड दे रहा था, टाइमिंग कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं। द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 150 डिग्री एंड द डिफरेंस इज पाई बाई टू, द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर एंगल इज हाउ मच। सम ऑफ द टू एंगल्स इज 50 डिग्री, एक्स एंगल प्लस वाई एंगल इसका वैल्यू है 150 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज पाई बाई टू, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 120। ओके, तो सबसे पूछा है अगर x 120 है तो y 30 डिग्री होगा, ग्रेटर एंगल पूछा है तो क्या होगा 120 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 × 180/3, आंसर होगा 2π/3, आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 63 डिग्री x देन द वैल्यू ऑफ cos 27 कितना होगा। ठीक है, देखिए tan 63 मीन्स सपोज ए बी सी मान लेता हूँ, सपोज यहाँ पे 67 है, ए इसका 27 है, ओके इतना तो मान लीजिए, तो बोला tan 63 इक्वल टू एक्स, tan 63 इक्वल टू एक्स है मीन्स दैट इज tan 63 इक्वल पी बाई बी मीन्स यहाँ सॉरी ए 63 पी बाई बी मीन्स ये आपका एक्स है, ये आपका वन है, ये आपका एस स्क्वायर माइनस वन का रूट ओवर, जो आंसर आएगा ये प्लस है नहीं होगा, ये प्लस है नहीं होगा, ये प्लस है नहीं होगा आंसर, बट यहाँ पे आंसर सिर्फ होगा अगर एक्स बाई एक्स माइनस होगा और कोई आंसर नहीं होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं कॉस 27 का वैल्यू क्या आएगा। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है भाई, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटल मीन्स यहाँ पर 60 डिग्री होगा, दैट इज पाई बाई थ्री, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। इफ द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3:4:5 देन द बिगेस्ट एंगल इज हाउ मच, मीन्स 7:12, 12 पार्ट इक्वल टू 180, 5 पार्ट कितना होगा 75 डिग्री होगा नहीं होगा। 67 तक हम चले गए, अभी कितना क्वेश्चन बाकी है देख लेंगे, इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स इफ इट्स स्लोप इज 3/4 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 5, वाई इंटरसेप्ट मीन्स सी का पॉइंट दिया है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा इक्वेशन होता है, वाई इक्वल टू एम कितना है 3/4 इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना है 5 दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, तो 4y माइनस 3x का वैल्यू क्या होगा 5, इसका जो इक्वेशन होगा 4y माइनस 3x इक्वल टू 5, जिसका स्लोप आपका 3/4 है, ये होगा आंसर। मनोज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 आवर्स, इफ ही जॉइंट बाई निशा हु जॉइंट 15% मोर एफिशियंट, इन व्हाट टाइम विल दे टुगेदर फिनिश द वर्क। बहुत ईजी क्वेश्चन है,
मनस कैन डू ए वर्क इन 14 आवर्स इफ ही जॉइंड इज बाय निशा हु इज 15% मोर एफिशिएंट मनोज निशा निशा 15 इसका 10 ओके 5 से जाएगा 2 5 से जाएगा 3 ओके एंड मनोज इस काम को 40 आवर्स में काम करता है मीन्स दैट इज 80 ओके एंड वो बोल रहा है व्हाट टाइम दे डू टुगेदर टुगेदर का है भाई 5 दैट इज 16 आवर्स आंसर क्या होगा 16 आवर्स सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत बार आप कर चुके होंगे इसलिए मैं इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर इन 2.5 आवर व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर्स ओके इसको ए टाइप का क्वेश्चन तो एसएससी जल पूछ लेता है ओके टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 252 किलोमीटर व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर पर सेकेंड ओके 252 बाई इंटू 100 बाई 10 हम स्पीड निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 252 2520 कौन क्या हो जाएगा 2520 किलोमीटर पर आवर ओके इसको मैं डायरेक्ट बता दिया ना 2.5 सॉरी मैं तो कुछ गलत कर दिया 252 इंटू 2.5 10/25 ओके ओके ये आपका हो गया किलोमीटर पर आवर किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड करेंगे क्या 5/18 आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से जाएगा 4 हो जाएगा आई थिंक 5 से जाएगा 5 5 से जाएगा 2 14 2 कितना होता है 28 तो इसका जो आंसर होगा वो 28 होगा आंसर सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको स्पीड करना है मेरे जैसा आपको स्लो नहीं करना है द सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रेजेंट ईयर्स प्रेजेंट इज 16 ईयर्स हस्बैंड प्लस वाइफ सम ऑफ द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ प्रेजेंट इज 16 ईयर्स चलो हस्बैंड वाइफ का एज इज 16 ईयर्स आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:8 आफ्टर 4 ईयर्स देयर एजेस विल बी 9:5 सपोज मान लो 9x 8x आफ्टर 4 ईयर्स ओके तो अभी जो उनका एज है वो कितना है 9x-4 अभी इनका आफ्टर 4 ईयर्स दिस विल बी आपको क्या होगा 9x एंड इसका है आपका 8x-4 मीन्स अभी जो क्या हुआ मुझे मिला 9x-4 + 8x-4 इसका वैल्यू मुझे पता है 60 अभी का एज 9x + 8x कितना होता है 17x - 8=60 17x का वैल्यू क्या होगा 68 एंड x का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा 4 x का वैल्यू मुझे मिल गया 4 व्हाट इज द एज ऑफ द हस्बैंड तो हस्बैंड का एज अभी का पूछा है ओके तो एज ऑफ हस्बैंड अभी का पूछा है तो अभी का जो एज ऑफ का हस्बैंड कितना होगा ना होगा आपका 9x-4 दैट इज 9 × 4 = 36 - 4 दैट इज 32 अभी जो एग्जाम होगा सॉरी एज होगा हस्बैंड का वो होगा आपका 32 आई थिंक एजेस का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है इसको करने में बहुत मजा भी आता है ए एंड बी टुगेदर कैन कम्प्लीट द वर्क इन 12 डेज ए एलोन कैन कम्प्लीट द वर्क इन 20 डेज इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ ऑफ अ डे डेली देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कम्प्लीट द वर्क चलिए ए एंड बी टुगेदर कैन कम्प्लीट द वर्क इन 12 डेज ओके ए प्लस बी 12 डेज करते ए 20 डेज इनका सेम 60 ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट्स ए अकेला करेगा तो 3 यूनिट्स करेगा अगर ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट्स काम करते हैं ए अकेला 3 यूनिट्स करता है तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा 2 यूनिट्स ओके आई थिंक समझ में आएगा ए का 3 यूनिट्स बी का 2 यूनिट्स ए का 3 यूनिट्स बी का 2 यूनिट्स ओके उसका बच्चा इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ ऑफ ए डे डेली ओके बोला बी डज द वर्क ए तो करता है 3 यूनिट्स बी करता है हमको पता चला 2 यूनिट्स बट वो क्या किया वो बी बोल रहा है इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ ऑफ ए डे डेली 2 यूनिट्स करता है इसका हाफ करेगा मीन्स डेली 1 यूनिट्स करेगा देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कम्प्लीट द वर्क तो टोटल ए 3 यूनिट्स करता है ए 1 यूनिट्स करता है तो 4 यूनिट्स करेंगे टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 यूनिट्स है इसको 4 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 15 यूनिट्स नाउ आपका क्या है डाटा इंटरप्रिटेशंस मंथली बजट प्लान्स ऑफ ए मैन हैविंग मंथली इनकम इज 18,000 इज गिवन बिलो इन द पाई चार्ट स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस मंथली इनकम उनको दिया है एंड रेंट में कितना खर्चा करता है फूड में कितना उसके बाद ये पाई चार्ट को देख के आपको आंसर यहाँ पर सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन देखिए मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन रुपीज इज हाउ मच
मंथली एक्सपेंडिचर इन फूड इन रुपीज़, फूड कितना है 105 बाई 360, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18,000 से, तभी आपको रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री में है, डिग्री में है या नहीं, तो एक सूम तो एक सिंह चला जाएगा 18 से, ये चला जाएगा 2 से, एंड 2 से चला जाएगा 50 से, तो 105 इंटू 5 कितना होता है 5250 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो गया 5250, जो फूड में खर्चा करता है वो कितना खर्चा करता है, वो खर्चा है 5250। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लेस देन दैट ऑफ द रेंट बाय हाउ मच, ठीक है, एजुकेशन एंड रेंट, एजुकेशन में कितना है 65 डिग्री एंड रेंट में 75 डिग्री, तो कितना लेस है 5 डिग्री लेस है। चलिए अभी इस 5 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है। ओके तो चलिए देखिए टोटल आपका 360 डिग्री, ओके एक सेकेंड, ओके तो जो 360 डिग्री है इसका वैल्यू हमको दिया 18,000, हमको 5 डिग्री का निकालना है, तो ए हो जाएगा 360 इंटू 5, तो ए चला जाएगा 18 से जाएगा 2, 2 से जाएगा ये 50, दैट इज 250 इसका करेक्ट आंसर है। आंसर क्या होगा 250। एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज मोर देन दैट ऑन द मिसलेनियस प्रपोज, रेंट में क्या है 70%, मिसलेनियस क्या है 40%, कितना इंक्रीज हुआ 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, 30 डिग्री इंक्रीज हुआ, वो बोला कितना परसेंट वही पूछ रहा है, एक सेकेंड, ओके तो 30 हुआ है, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है कितना परसेंट निकाल देंगे, वो बोले एक्सपेंडिचर रेंट, अच्छा रेंट 30/40 इंटू 100 कर दीजिए ना, यहाँ पे तो आपको मिल जाता है मेरे हिसाब से 150/2 दैट इज 75%, यहाँ पे मिल जाता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन खत्म, मैथ का क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।